Assalam alaikum student, I am Salman Ahsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Mathematics. स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को अब स्टार्ट करना है, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो लिहाजा उन चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा एंड देन फिर हम नई वीडियो के अंदर इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 7 के अंदर जो बातें हैं वो। स्टूडेंट आपको ये वाली बात पता होगी कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के अंदर अभी तक क्या सीखा है, लिमिट निकालना सीखी है। ये वाली बात मानते हैं या नहीं मानते? तो यहाँ पर हमें जो लिमिट्स दी जाती थी, एक्स अप्रोच टू दिया जाता था, वो ए दिया जाता था। ए बेसिकली यहाँ पर क्या है, ए बेसिकली यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड कंटिन्यू जाते जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक लिमिट्स मालूम करनी है किसी भी नंबर की, ठीक है, यानी कि हमें जो भी अभी लिमिट्स मालूम की हैं वो एक नंबर की जाती थी, ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन स्पेशली क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के अंदर हमें जो लिमिट्स दी गई हैं, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दी जा रही हैं, ठीक है, तो ऐसी लिमिट्स को मालूम करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन होता बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, तो लिहाजा इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी जब लिमिट्स दे दी जाए तो इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है और इन्फिनिटी क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा अब हम इस वीडियो के अंदर इन्फिनिटी को समझेंगे और इन्फिनिटी के अगर आपको लिमिट्स दे दीजिए एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो उनका सोल्यूशन कैसा होगा, उसका एक हिंट दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जब हम अपने क्वेश्चन के जो हमारी बुक के क्वेश्चन है उनकी तैयारी करेंगे तो हमारे और ज्यादा पक्का हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो चलिए जी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा था, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू ए, यानी ए का मतलब है कॉन्स्टेंट नंबर। तो आपको पता है कभी भी लिमिट्स हमें कोई भी नंबर दे दिया तो सबसे पहले हम डायरेक्ट उसके अंदर लिमिट अप्लाई करते थे, तो हमारा आंसर अगर अनडिफाइंड आ जाए तो उसके अंदर समझो पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर हम उसको क्या करते थे, लिमिट पुट करते थे। लेकिन लिमिट्स के अंदर थोड़ा होगा डिफरेंस, अब वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट्स क्या है, ठीक है, सॉरी लिमिट्स क्या है ना, अनडिफाइंड ये क्या है, इन्फिनिटी क्या है। बेसिकली बेटा इन्फिनिटी में आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने नेचुरल नंबर सुना होगा, नेचुरल पूरा लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड कंटिन्यू जाते जा रहे हैं, समझ आ रही है बात। अब ये नंबर अब हम गिनना स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर को, 1,000, 2,000, 1,00,000, 1,00,0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 00
किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है कि भाई लामहदूद है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हाँ भाई कहाँ पे जाके एंड होगा, तो हम बोल देते हैं ये इन्फिनिटी है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मेरे पास होल नंबर है, ठीक है, अब होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। अब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड कंटिन्यू जाते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ होल नंबर को गिनना स्टार्ट करो तो 1,000, 2,000, 3 लाख, 4 लाख, करोड़, अरब, थरब, मिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से गिनते जाएंगे। यानी कि इनकी भी एंड कोई नहीं है, अगर गिनते जाओ तो गिनते जाओ, तो इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो लिहाजा इसको रिप्रेजेंट करते थे कि भाई नहीं मालूम, तो कंटिन्यू जाते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा इन्फिनिटी से आपको कुछ समझ ये आ रहा होगा कि लामहदूद चीज, कि भाई जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको बोल देते हैं भाई ये इन्फिनिटी है कि हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर कितने जमीन के वो जो जर्रा मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने, आप नहीं गिन सकते, आप उसको इन्फिनिटी कहोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात समझ आई कि इन्फिनिटी क्या होता है, कि लामहदूद चीज है, ठीक है जी, ये वाली बात होगी। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा, इन्फिनिटी रियल नंबर के अंदर नहीं होता, जहाँ रियल नंबर एंड होते हैं वो इन्फिनिटी कहलाते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, एक मैथमेटिकली लॉजिक है। अच्छा जी ये तो बात हो गई खत्म। अच्छा अब जिस तरीके से अब मिसाल के तौर पे ये तो समझ आ गया, अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी नेगेटिव होती है, जी बिल्कुल, इन्फिनिटी पॉजिटिव भी होती है और इन्फिनिटी नेगेटिव भी होती है। मिसाल के तौर पे आपने इंटीजर नंबर देखे होंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर को हम 0, +1 इसको यूं करके +1, इसको कमेंट आगे +2, +3 एंड सो ऑन जाते जा रहे हैं। इसी तरीके से -1, -2, -3 एंड सो ऑन टू जाते जा रहे हैं। तो मुझे बताएं ये कंटिन्यू जाते जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये इस साइड पे जाते जा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लॉजिकली अगर समझे, अगर मैं बोलूं बेटा मुझे आप उसका वजन करके दो, एक जो मक्खी होती है मक्खी उसका वजन करके दो, बेटा उसका कितना वजन कम, कितना बिल्कुल हल्का सा हवा जितना वजन होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं वजन लो, चलो उसका कोई ना कोई कैलकुलेट कर लोगे, मैं अगर बोलूं मुझे उसके पर का वो लेके दो वजन, तो उसका भी चलो कोई ना माइनर बिल्कुल 0000000 करके कोई आखिर में मुझे आप उसके कोई निकाल के दो, हाँ भाई ये इतना हमें निकाल के वजन निकल गया।
अगर मैं बोलूँ कि बेटा मुझे उसकी टांग, जो उसकी फ्लाई की जो टांग है छोटी सी, उसका मुझे पंख वजन लेके दो, तो कितना माइनर 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 चला गया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे उसकी जो टांग है उस टांग के ऊपर एक छोटा सा जो बाल निकला उसका वजन लेके दो, तो वो भी कितना माइनर निकल जाएगा। तो ऐसी चीजें देखिए छोटी 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 होती जा रही है, तो इसका मतलब किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, समझ आ रही है। तो ये इन्फिनिटी नेगेटिव चला गया, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ऐसी चीजें जो नहीं गिन पाते, ऐसी चीजें छोटी में बोलता था चीज छोटी हो उनको नहीं गिन पाए, उनको इन्फिनिटी कह दिया नेगेटिव, और जो पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव। तो याद रहे कि हमें अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी दे दी जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी दे दी जाए, क्योंकि हमने ये दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हम दोनों को डील एक ही तरीके से करेंगे जो मैं मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। चल यहां तक तो हो गई बात कि इन्फिनिटी क्या है। अब चलते हैं इन्फिनिटी को हम कैसे शो करेंगे। अब याद रखिएगा, आप अपने कैलकुलेटर में जाएं और अपने कैलकुलेटर में क्या कीजिएगा, वन को आपने डिवाइड करना है जीरो से, ठीक है। वन को आपने अगर जीरो से डिवाइड किया तो आपको दे देगा मैथ एरर। तो मैथ एरर कब आता है, जब किसी चीज को वो कैलकुलेट ना कर करे। तो इन्फिनिटी क्योंकि एक रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर से जो आगे आता है जो कैलकुलेट नहीं कर पाते तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अब आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो ये याद करना है कि इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1/0 के, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1/0 के। सबसे पहला हो गया फार्मूला ये। अब दूसरा फार्मूला है ये वाला, जरा देखें, 1/∞। अगर मैं इन्फिनिटी का इन्वर्स कर दूं तो ये बराबर होता है 0 के, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसके अगर लॉजिक में जाऊंगा तो कुछ बच्चों को मसला होगा, तो लिहाजा यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर लें क्या कि इन्फिनिटी बराबर है 1/0 के, और 1/∞ अगर आपका इन्फिनिटी डोमिनेटर के अंदर आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ से एक मसला ये आता है कि अगर मैं बोलूँ 2/∞ तो याद देखिए ये भी 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपके डोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आया। तो क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर ये यूज करेंगे तो वहाँ पे बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सर आपने तो कहा था कि 1/∞ 0 के बराबर होते, 2/ आया, 10/ मिसाल के तौर पर कोई भी ऊपर नंबर हो और अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए, ये 0 के बराबर होगा। ये कैसे होगा जरा देखें, 2 × 1/∞ अगर मैं कर दूं, इस चीज को अगर मैं इस तरह कर दूं तो बेटा मुझे बताओ 1/∞ 0 के बाद है, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी कर सकते हैं बनिस्बत कि ये एक छोटे छोटे स्टेप करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि आपके पक्का हो गया कि इन्फिनिटी बराबर होता है 1/0 के, और 1/∞ यानी कि इन्फिनिटी अगर डोमिनेटर में आ जाए तो वो बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे आके हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू इन्फिनिटी वो होते हैं कंप्लीट। अब एक और छोटी सी चीज़ है वो भी याद रख लें, ये चीज़ जो है वो आपको आगे भी काम आने वाली है। अब बेटा इन्फिनिटी आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, इन्फिनिटी से आपको ये याद आ रहा होगा बेटा ये थोड़ी कोई चलाक किस्म की चीज़ है, जैसे 1, 2, 3, 4 होते हैं नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उनका स्क्वायर करो, आपको नंबर आते हैं। लेकिन इन्फिनिटी थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, बड़ी चलाक चीज़ है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है कि बेटा कभी भी इन्फिनिटी का कोई भी स्क्वायर ले लो, इन्फिनिटी का स्क्वायर लोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 4 लोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 9 ले लो इन्फिनिटी। तो लिहाजा यहाँ से मुझे पता चला कि मैं जनरल टर्म ले लूँ, इन्फिनिटी की पावर अगर n ले लूँ मिसाल के तौर कोई भी हो तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा, सही है स्टूडेंट। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इन्फिनिटी से कुछ भी ले लो इन्फिनिटी। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, अगर इन्फिनिटी से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इन्फिनिटी से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ से मुझे एक और बात पता चली कि इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो मिसाल के तौर पर मैं एन ले लेता हूँ, 1000, 2000 कुछ भी एन की जगह रख दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इन्फिनिटी से, तो मेरे पास इन्फिनिटी ही आएगा। ये वाली बात हो गई खत्म। फिर आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अगर मैं इन्फिनिटी से कुछ भी डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी से अगर मैं 50 को भी डिवाइड कर देता हूं मेरे पास इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे एक जनरल टर्म ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय एन, एन रिप्रेजेंट करे किसी भी नंबर को रख दो तो मेरा आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, ये इन्फिनिटी लिखना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपको एक और बात पता चल गई कि इन्फिनिटी को स्क्वायर करो, इन्फिनिटी की कोई भी पावर ले लो, इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी से कुछ भी डिवाइड कर दो, इन्फिनिटी ही आएगा। अब यहाँ पे आ गई है एक और बात, अगर आप इन्फिनिटी के अंदर प्लस कुछ करते हो तो क्या होगा, आप याद देखिए कि इन्फिनिटी के साथ कुछ भी करो इन्फिनिटी आएगा। तो लिहाजा इन्फिनिटी से मैंने प्लस की जगह 10 प्लस कर दिया इन्फिनिटी के अंदर, इन्फिनिटी आया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, अब जरा देखो बेटा, अगर एक इन्फिनिटी एक बड़ी लंबी चीज है, उसके अंदर आपने माइनर सा 10 डाल दिया, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहना, वो इन्फिनिटी ही रहनी है, इसका स्क्वायर कर दो कि तो इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी का और डबल हो जाएगा, यानी कि और अनडिफाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए कि इन्फिनिटी की कोई भी पावर ले लो, इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी से कुछ भी डिवाइड कर दो, इन्फिनिटी के अंदर कुछ भी ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर इन्फिनिटी ही आता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आके आपका जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इन्फिनिटी से रिलेटेड वो हो गया ख़त्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पेपर के अंदर या अभी हमने जो क्वेश्चंस करने हैं अगर क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दी जाए आ जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो चले जी उसको समझते हैं। तो चले जी आए हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको पेपर के अंदर लिमिट्स दे दी है इन्फिनिटी, मिसाल के तौर पे आपको ये वाली बात पता है कि अगर लिमिट्स एक्स अप्रोच टू ए दे दी जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, एक जनरल सा क्वेश्चन ले लिया। अब लिमिट्स यहाँ पे क्या दी हुई है, एक्स अप्रोच टू ए दी हुई है, तो आपको क्या होता है सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी ए किसी भी कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की और चेक किया कि उसकी अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर आप उसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करते थे। लेकिन अब हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं वो ज़रा देखिएगा, अब हमें ज़रा देखिएगा अगर आपको लिमिट्स दे दी जाए, ठीक है, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दे दी जाए, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ क्या करना है उसको ज़रा देखिएगा, उनकी लिमिट्स कैसे लेंगे वो ज़रा देखें स्टूडेंट, ज़रा देखिएगा लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दे दी गई है, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो याद रखिएगा आपको कभी भी पेपर के अंदर और अभी हमें बुक के अंदर स्टार्ट करनी है लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो कभी भी आपको लिमिट्स इन्फिनिटी दे दी जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने जो कॉमन लेना सीखना है, ठीक है, यानी कि उसमें से सबसे पहले आपने कॉमन निकालना है और फिर उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे, बस ये काम करना है। क्या बात समझ आई कि भाई अगर लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दे दी जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालना है, और कॉमन क्या निकालना है, जो सबसे बड़ी पावर होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 दी हुई है ना, तो एक्स की पावर 4 को मैंने कॉमन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, और एक्स की पावर को 4 को कॉमन निकालना है और उसके बाद मैं उसके अंदर लिमिट अप्लाई करूंगा तो देखिएगा वो सिंप्लीफाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा और फिर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर मेरे सामने होगा, ठीक है। तो लिमिट्स आपको क्या दिया, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ही दी हुई है, तो आपने इन्फिनिटी ही पुट करना है, उसका क्या सोल्यूशन होगा इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा मसला ये आता है कि बच्चा कॉमन लेने में घबरा जाता है, तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर अभी जो हूं मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूं कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, ये एक चीज है, इसमें से मैंने बोला कि मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके दो, ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर बड़ी मदद से कॉमन ले लिया, कैसे लिया जरा देखें, एक्स स्क्वायर को जब कॉमन निकाले तो जरा देख एक्स की पावर 4 है तो 2 चले गए तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 चले गए तो स्क्वायर बच गया, प्लस अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब में से 2 चले गए तो एक्स बच जाएगा, इस बात को तो समझ आ रही होगी। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर ही तो कॉमन निकाले तो चला गया बाहर, तो इधर आपके पास 1 बच गया, ये तो आपको बड़े आराम से कॉमन लेना आता होगा कि भाई ये क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। लेकिन बेटा मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग इन्फिनिटी की जब लिमिट दे दी जाए तो उसमें सबसे बड़ी पावर को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो वहां पर बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, ये तो चले कर लेता है, अब वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, जरा उसको देखें प्लस एक्स की पावर 2। अब जरा इस चीज को चेक कीजिएगा, अब स्टूडेंट याद रखिएगा इन्फिनिटी अगर आपको लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दे दी जाए तो वहां पे आपको याद रखने की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना उसको कॉमन लेना है, ठीक है, तो जरा देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 4 है तो आपने उसको कॉमन लेना है, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल समझ आ रही है बात, याद रखना है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको कॉमन लेना है, तो जरा देखिए इस टर्म के अंदर एक्स की पावर 4 थी तो वो कॉमन ले ली, ठीक है, तो अब जरा देखिएगा क्या होगा, जब एक्स की पावर 4 कॉमन ली तो यहाँ पे क्या गया 1, प्लस जब यहाँ से एक्स की पावर क्यूब कॉमन ली, एक्स की पावर क्यूब में से एक्स की पावर 4 निकली तो यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर बच गई, तो इसी तरीके से अपॉन में आ जाएगा एक्स, तो इसी तरीके से जब एक्स की पावर 4 कॉमन ली एक्स की पावर 2 से तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 2 आ जाएगा कॉमन। अब जरा देखिएगा आपको कॉमन डिफ लेना थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे ले लिया, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा जिसको आपने कैसे कॉमन लेना सीखना है, ठीक है, अब जरा देखिएगा ट्रिक से बताऊंगा, ये मैंने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि मुझे तो निकालना आता था, अब कैसे करना है वो बताता हूँ स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 है, अब इसमें से सबसे बड़ी पावर का मैंने बोला कि मुझे कॉमन निकाल के दो एक्स की पावर 4, ठीक है जी स्टूडेंट, तो एक्स की पावर 4 जब आपने कॉमन निकाली तो मैं बताता हूँ उसका कैसे तरीके से आपने कॉमन निकालना है, आगे जरा देखिएगा, याद रखिएगा जो सी टर्म आप कॉमन निकालोगे ना उसको हर एक टर्म से डिवाइड कर दो, मिसाल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था आपने से क्या कॉमन निकाला, एक्स की पावर 4 को कॉमन निकाला, तो जरा देखिए एक्स की पावर 4 ये आपने जैसे कॉमन निकाला तो एक्स की पावर 4 को हर किसी से डिवाइड कर दें, समझ आ रही है बात, क्या जो चीज कॉमन निकाली यानी कि सबसे बड़ी पावर ही कॉमन निकालेंगे, अब वो हर एक टर्म से डिवाइड हो जाएगा, जिस तरीके से देखिए इसमें से एक्स की पावर 4 को कॉमन निकालना था तो वो मैंने कॉमन निकाल ली और इसको कॉमन निकालना तो समझे कि हर एक टर्म से डिवाइड कर दिया, तो अब जरा देखेंगे जो आपके पास चीजें आएंगी वही आपका आंसर होगा, अब जरा देखें एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1, ठीक है, अब आगे चलते हैं,
देखें एक्स की पावर क्यूब और एक्स की पावर उसे कट गया, तो जरा बताएं ऊपर 3 था नीचे 4 था, तो ऊपर 3 तो कंप्लीट खत्म हो गए, नीचे 1x बच जाएगा, समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं प्लस, इसी तरीके से एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 4 कट गए, तो 2 तो कट गए नीचे, फिर 4 में से 2 कट गए, तो नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। तो अब मुझे बताएं कि जरा देखिएगा, ये मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया था और ये मैंने आपको मेथड बताया कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन लेनी हो तो उसको उससे डिवाइड कर दो, तो खुद ब खुद वही चीज़ निकल के आ जाएगी। तो जरा देखिए इसको देख लें और इसको देख लें, बिल्कुल कॉमन सेम आया है। तो यहाँ से आपके पास एक जो दिमाग में इंपॉर्टेंट बात आई, क्या आई कि भाई लिमिट्स हमें एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दे दिया जाए, तो उस टर्म में से सबसे बड़ी जो एक्स की पावर होगी उसको कॉमन लेना है, ये बात समझ आ गई। अब वो कॉमन लेंगे तो उसको क्या करना है, अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा क्योंकि बड़ी टर्म लेंगे ये मसला करेगी करेगी, तो क्या करना है, कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई उस टर्म को हर एक टर्म से, उस जो पर्टिकुलर चीज़ जो कॉमन निकली उसको हर किसी से डिवाइड कर दो। लेकिन ये जो चीज़ है आपने रफ में करके दिखानी है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पर लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स की पावर 2 ये दे दी गई है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करके दो, इसके अंदर मुझे एक्स की पावर 5 क्योंकि लिमिट्स लेके दो। अब एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दिया तो आपको पता है सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 5 कॉमन आएगी, ठीक है। जब एक्स की पावर 5 कॉमन निकालेंगे तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है एक्स की पावर 5 जो हर किसी से डिवाइड होगी, ठीक है, आपने एक्स की पावर हर किसी से डिवाइड कर दी, और क्यों, क्योंकि वही जो कॉमन आया था, एक्स की पावर 5 से कैंसिल आउट किया 1 बच गया। आगे चलते हैं, एक्स की पावर क्यूब और एक्स की पावर 5, तो 3 में 5 में से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। अब इस तरीके से स्क्वायर और 5 काटा तो नीचे आपको पता है एक्स की पावर 5 में से 2 कैंसिल आउट, ऊपर से कैंसिल आउट हो गए, तो एक्स की पावर क्यूब बच जाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा इस टर्म का जो कॉमन होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही वाली बात है, ये जो कॉमन लेना है, जो डिवाइड करना है, इसको आपने रफ में करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। आप कॉमन डायरेक्ट लेंगे, मेन चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो यही है कि लिमिट्स एक्स अप्रोच टू अगर इन्फिनिटी दी जाए तो उस टर्म में से सबसे बड़ी पावर जो होगी एक्स, उसको कॉमन लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात हो गई है, अब उस चीज को कॉमन ले लिया, अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा, कोई मुश्किल हो रही है, तो याद रखिएगा जो चीज कॉमन ली हुई है उसको हर एक टर्म से डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद जो चीज आपके पास आ रही होगी वही आपका कॉमन होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिएगा थोड़ी सी कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी, फिर उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इंशाल्लाह हम एक क्वेश्चन भी करेंगे बुक का, तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अल्लाह हाफिज।